आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे रहते हो? मेरा नाम कोमल गुलकित जैन है एंड मैं लागा पे रहती हूँ। ओके, आपके बच्चे का एज क्या है? मेरा बेबी का एज 3 इयर्स। आप कौन से टाइप के प्ले स्कूल देख रहे थे उनके लिए? जहाँ पे उनको हर तरह की एक्टिविटी के साथ स्टडीज, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर घुमाने लेके जाओ एंड ऑल, उनका जो मेंटली उनके ऊपर सब चीज का प्रेशर होना वो नहीं आना चाहिए, बस उनको खेलते खेलते सब चीज पढ़ाए विजुअलाइजेशन के साथ बस हुई। ओके, तो क्लेवर किड्स नर्सरी ज्वाइन करने के पहले दूसरा कोई प्ले स्कूल देखा था आपने? यस, यहाँ पे बाइक क्लब है वंडर किड्स। तो आपने क्लेवर किड्स नर्सरी क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज़ आई वाज मैं सेटिस्फाइड ही नहीं थी उससे, मैं पहले यहाँ पे ही आई थी और मेरे को ऐसा था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे नहीं आके, और मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। मैंने सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरे बच्चे को वहाँ पे डालना चाहिए, तो ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट मेरे को यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बट मेरे को और यहाँ पे मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी तो मैंने वहाँ पे डाल दिया मेरे हस्बैंड के कहने पे, पर उनको बाद में बहुत पछता हुआ कि हमको क्लेवर किड्स में डालना चाहिए। ओके, तो आपके एक्सपीरियंस अनुसार दो ऐसी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी क्लेवर किड्स नर्सरी में? एक तो सारी एक्टिविटीज़, भले ही वो एनुअल डे हो कि क्लास में हो, बच्चे चाहे करे कि वो मूड में हो कि नहीं हो, पर उनको पार्टिसिपेट करना ही है। और जो टीचर्स का इतना अच्छा उनका मतलब है ना, जो स्ट्रगलिंग बच्चों के साथ करते हैं ना, वो द बेस्ट है स्टडीज वाइज बोलो और बच्चों को संभालने के हिसाब से बोलो या एनुअल डे के हिसाब से बोलो। और कोई सजेशंस कुछ देना चाहते हो आप? नहीं, बस और कुछ नहीं, सिर्फ कभी कभी ऐसे लगा कि बच्चों को ना काफी काफी थोड़ा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। लाइक प्ले ग्रुप के छोटे होते ना तो पेरेंट्स लोगों को बहुत ईगर होती है कि उनको देखे वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत वो चीज़ कहीं पे पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऐसे तो एनुअल डे में तो था ही, बट क्लास में भी क्लास वाइज भी कभी थोड़ा बहुत होना चाहिए बस, बाकी तो बेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, 1 से 5 में आप कितना मार्क्स दोगे क्लेवर किड्स को दूसरे पेरेंट्स के लिए? 5। ओके, थैंक यू।